हेलो दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो में आज मैं आपको शो टूल बार में ग्रिड लाइंस को हाइड करना, फॉर्मूला बार जो हमारा होता है उसको हाइड करना और हेडिंग्स को हाइड करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे, आपने जो एक्सेल में व्यू टैब देखा होगा, व्यू टैब में एक हमारा टूल बार ग्रुप होता है शो। अब हम इस शो टूल बार ग्रुप में से ग्रिड लाइंस को हटाएंगे, ऐसे सेम फॉर्मूला बार को और ग्रिड और हेडिंग्स को हटाएंगे। तो इसके लिए अगर आप ग्रिड लाइंस हटाना चाहते हो तो यहाँ पर जो ग्रिड लाइन का ऑप्शन है उसको हम अनचेक कर देंगे। अनचेक कर दिया तो आप देखेंगे जो हमारी एक्सेल में ग्रिड लाइन शो हो रही थी वो हमारी हाइड हो जाएगी। अब आप वापस इन ग्रिड लाइंस को शो करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर ग्रिड लाइंस को वापस क्लिक कर दूंगा तो हमारी सभी ग्रिड लाइंस यानी जो सेल्स की ग्रिड लाइंस है वो सभी शो हो जाएंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर फॉर्मूला बार को हाइड और शो करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बार में जाकर यहाँ पर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो हमारा जो फॉर्मूला बार वो हाइड हो जाएगा। अब आप वापस इसको शो करना चाहते हो तो इसके लिए मैं यहाँ पर वापस फॉर्मूला बार को चेक कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बार है वो वापस शो हो जाएगा। उसके बाद अब आप जो ये हमारे ए बी सी डी और 1 2 3 है जो हमारी हेडिंग्स है, आप इन सभी हेडिंग्स को शो और हाइड करना चाहते हो तो इसके लिए मैं हेडिंग्स को अनचेक कर दूंगा तो हमारी ये सभी हेडिंग्स हाइड हो जाएंगे। अब आप वापस इन सभी हेडिंग्स को शो करना चाहते हो तो इन हेडिंग्स को मैं वापस क्लिक कर दूंगा तो हमारी हेडिंग्स शो हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ग्रिड लाइंस को, फॉर्मूला बार को और हेडिंग्स को हाइड और शो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।